वेतन ना मिलने के विरोध में आशा वर्कर्स ने मनाया धिक्कार दिवस। पूरी अपडेट आपको आगे देंगे। विशेश्वरगंज थाने में बंद एक आरोपी फरार हो गया। कैसे आरोपी ने सिपाही को चकमा दिया, इसकी भी जानकारी देंगे। इसके अलावा भी बरेली शहर से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए बुलेटिन के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। जानते हैं खबरों को विस्तार से। आर्थिक तंगी से जूझ रही आशा वर्कर्स ने आरोप लगाया है कि बार बार लिखित रूप से वे प्रार्थना पत्र दे चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका वेतन भुगतान नहीं हुआ है। 21 माह से भुगतान न होने पर वे बहुत परेशान हैं। जितने भी कार्यक्रम में अभी तक उन्होंने योगदान दिया है, उसका भी कोई भुगतान नहीं हुआ है। उन्हें इतनी मेहनत के बाद भी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर बुधवार को आशा वर्कर्स ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुनीता गंगवार, लीलावती नंदरानी, विमला देवी, मधु कामनी, कुमकुम, सावित्री देवी सहित आशा संगनी मौजूद रहे। हमारा धिक्कार दिवस आज जो मना रहे हैं, हम मजबूरी में मना रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की बहनों का मेन तो हमारा एजेंडा यह है कि हमारी बहनों का 21 माह से 750 वाला पैसा कोई नहीं आया है, और बाकी का जो हम कार्य लगातार कर रहे हैं, टीकाकरण का, फाइलेरिया का, कुष्ठ का, मलेरिया का, संचारी का, और प्रसव तक जो हम कराते हैं, जेएसवाई तक का पैसा नहीं आया है रसीदों का हमारी बहनों का कहीं भी। क्या ये संभव है कि हमारा बजट ऊपर से अभी तक नहीं आया है? हमको सरकार से और अपने प्रशासन से ये जवाब मांगना है कि क्या हमारा बजट आया है या नहीं आया है, और हमारा बजट आया है तो हमारा पैसा क्यों नहीं दिया गया। व्यापारियों के विरोध के बाद कुतुबखाना पुल के काम ने गति पकड़ ली है। अधिकारियों के निर्देश के बाद निर्माणदायी संस्था तेजी से काम करने में जुटी है। बुधवार को बीएसएफ पीएससी के साथ सीओ आशीष प्रताप, थाना किला, थाना बारादरी, कोतवाली समेत अन्य थानों की पुलिस फोर्स मौजूद रही। अब व्यापारियों में पुल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई व्यापारियों ने विरोध करना बंद कर दिया है। वही निर्माणदायी संस्था ने पुल को लेकर मुआयना किया है। जितना तेजी से काम किया जा रहा है, इससे उम्मीद जताई जा रही है कि पुल अपने समय से तैयार हो जाएगा। पुलिस अधिकारी इस दौरान चौकस नजर आए। जनपद न्यायालय से दीवानी न्यायालयों के स्थानांतरण के मुद्दे पर अधिवक्ताओं का विरोध आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने एक स्वर से अदालतों के स्थानांतरण का विरोध किया। अधिवक्ताओं ने अब अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है, साथ ही बताया है कि उन्हें दूसरी जगह खतरा रहेगा, साथ ही सुविधाओं के अभाव से भी गुजरना पड़ेगा। वहीं आंदोलन को गति देने के लिए आर्थिक सहयोग मांगा गया, जिसमें पीलीभीत समेत अन्य जिलों से भी समर्थन की बात कही गई है। अधिवक्ता किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे इससे पहले हमारे पारिवारिक न्यायालय जा रहे थे बाहर वीर भट्टी पे, तो दो दिवसीय स्ट्राइक रही थी, और उसके बाद सिविल कोर्ट को लेके हमारी लगातार आज 11वें दिन हड़ताल चली आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा सिविल कोर्ट स्टेशन रोड में जा रहे थे, तो जब हमारे न्यायालय में ही पर्याप्त जगह है, स्थान है, तो बाहर नहीं जाना चाहिए। हम उसी के विरोध में आज स्ट्राइक कर रहे हैं, और लगातार जब तक जिला जज महोदय द्वारा या हाईकोर्ट द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, जब तक कोई लिखित अनुसार हमें कोई लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाएगा, तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा है कि इस्लाम हमेशा से प्यार मोहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम में कट्टरपंथी की कोई जगह नहीं है। पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन ने इस्लाम की छवि को धूमिल किया है, जिसकी वजह से मुसलमानों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। भारत सरकार का पीएफआई संगठन को बैन करने का फैसला काबिले तारीफ है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। इस्लाम हमेशा प्यार मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारगी और अमन शांति का पैगाम देता है। भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस्लाम को धूमिल किया, इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों के खिलाफ काम किया, और यहाँ पर कट्टरपंथियत को बढ़ावा देने में और जगह जगह फ़िरकावराना फसादात में, जैसे कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में उसका अहम रोल रहा है। तो इससे इस्लाम की बदनामी हुई और मुसलमानों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। कल हमने आपको इज्जतनगर थाने से जुड़ा एक मामला बताया था, जिसमें एक महिला ने अपने ससुर पर आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि उसके ससुर उस पर गलत नियत रखते हैं और उसे गलत ढंग से पकड़ते हैं। अब इस मामले में ससुर की तरफ से कहा गया है कि उनकी बहू उन पर झूठा आरोप लगा रही है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं उनका कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। फखरुद्दीन नाम है मेरा, पिरोड़ा का रहने वाला हूँ, दादा इलाही वहाँ का रहने वाला हूँ, और सन 2022 पाँचवें महीने में 25 तारीख को मैंने बेदखल कर दिया है मोहम्मद साजिद को, और मुझसे कोई संबंध नहीं है उससे। उसने 6 जून को शादी कर ली थी ज़बरदस्ती, और उसने 6 जून से भी दलाल लोग हैं उसके साथ वाले, मवीराजा के साथ वाले सगीरकम वगैरह, ये मुझे रात के 12-12 बजे, 2-2 बजे आके धमकी देते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं, मेरा खटखटाते हैं,
उठाने की कोशिश करते हैं मुझे बहुत, मुझे जान माल का खतरा है मेरी बहुत, और मैं इसी महीने की 14 तारीख को तहरीर भी दे चुका हूँ जितनगर थाने में, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है और ये लोग तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर। मैं ये अब कह रहे हैं कि बेदखल करने की धमकी देते हैं, मैं 2005 में महीने में कर चुका हूँ बेदखल, ये 420 इनकी कैसे चल जाएगी, मेरे पास सबूत मौजूद है। ये अखबार की कॉपी अमर उजाला अखबार में ये निकलवा दी मैंने न्यूज, ये अखबार की कॉपी है। फकीर खां ये अपने आप को काम तो है इसका मुखबरी का, गुंडे पालने का, ये मुझे बहुत रात दिन परेशान कर रहा है और धमकी दे रहा मारने की, ये मुझे अपनी जान माल का खतरा है इससे बहुत, ये निकाला जाए। और आज भी मैंने एस एस पी की वहाँ पेश हुआ हूँ, योगी आदित्यनाथ को भी नकलों मैंने दर्ज किया है और अजीतनगर थाने भी दी मैंने। थाना बहेड़ी में गौकशी की घटनाओं से हड़कंप मचा हुआ था, जिसको लेकर आज पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया है। बाबर नदेली रोड पर ब्रह्मदेव स्थल के सामने सचिन जौहरी के खेत में गौकशी के अवशेष पड़े होने के संबंध में 2 दिन पहले एक अज्ञात खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गौवध करने वाले आरोपियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जावेद, इमरान, इश्तियाक, छोटा और फहीम को नदेली रोड गरीबपुर मोड़ से पहले बाईं ओर गन्ने के खेत के पास से 10:45 पर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में 4 अदद रस्सी, 3 छुरी, 1 गंडासा और 1 रेती बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपियों ने घटना को स्वीकार किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दाली हिंदी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर लीजिए।